पहले तो कभी कभी गम था, लेकिन आज तेरी याद सताती है लुशे। पहले तो कभी आज क्या गम के गाने गा रही है माँ, खैरियत तो है? बेटा रहीमसा का घर नहीं है मलिर केंट वाला, इधर मैं गई, मेरे को इसने कैसेट दिया, बोला अम्मा ये गाना सुनना। क्या गाना गाया, डंग 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 डंग, ऐसा पश्तो गाना, वाह वाह मजा आ गई मेरे को। ए माँ तेरे को पश्तो समझ में आती है? तो मैंने तो उर्दू में सुना है ना पश्तो गाना। तो क्या चपली कबाब खा के सुना? बस करने की जरूरत नहीं है, माँ की मजाक उठाता है, तेरे को पता नहीं जिंदगी माँ की कैसी कुआरी में गुजर रही है। क्या हुआ, क्या? इतना बड़ा बंगला, इसमें एक 12 फीट 12 बाय 12 का कमरा मेरे पास है, मेरी छोटी छोटी चीजें उसमें भी आके चोरियां होती है। अरे अम्मा तुम्हारे कमरे में कौन क्यों आएगा, तिजोरी तो मेरे कमरे में। तो चाबी किसके कमरे में? आपके। तो फिर क्या तिजोरी को आग लगा के खोलेगा कोई, चाबी के लिए आएगा ना पहले? क्यों आएगा, मेरे को क्या पता, मेरे को तो टेलीफोन आया हैदर भाई का, बोला रजिया बोलती है कि तेरी चीजें गायब हो रही। मैंने बोला हाँ चीजें गायब हो रही, मैं क्या करूं? ये अम्मा चोरी का जिक्र करके काय को मेरी तरफ देखती है तू? दफा हो जा, सक्की नजरों से देखती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने रद्दी रखी वो चोरी हो गई, मैंने बर्निया रखी वो चोरी हो गई, भाई चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, बीच बीच में बोलती है। माँ मुहावरा तो सही करो, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर की गठड़ी में तिनका। बेटा गठड़ी में तो लाठी होगी, तिनका कौन रखेगा? क्या हुआ, क्या हुआ, आज कौन सी चीज गायब हो गई है, क्या हो गया? मेरी छोटी छोटी चीजें गायब हो रही है, कौन मेरे कमरे में आता है, मेरे को बोलती जिन्नात आते हैं, इससे बड़ी चुड़ैल हमारे घर में होएंगी? ए दादी दादी ऐसे नहीं बोलो ना, मेरी माँ है, मेरी तेरी माँ है तो ये मैं इस तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है, देख कैसी माँ की सारी तेरी माँ। यार करोड़पति आदमी पिट रहा है घर के अंदर, माँ से पिटेगा करोड़पति? तेरे तू मेरा मन्नत का बेटा था, पता नहीं मैं कौन सी मन्नत भूल गई, मेरा बच्चा ऐसा हो गया। मैं तेरे को बताता हूँ, आप ऐसा करो बादाम खाया करो, बादाम कहाँ से खाओ बेटा, मैंने बादाम रखे वो भी ये खा गई बादाम मेरे। ए मिंजी माँ कागजी बादाम, अम्मा 1 किलो खा गई इस महीने में। तो 1 किलो बादाम मेरी जान पे क्या लगेगा, तू अपने को देखना, तू तो अखरोट खाती है बड़े मेरे बड़े को। खाली ये बताओ गायब कौन सी चीज हुई है? बेटा मेरा चश्मा है, मेरा इतना खूबसूरत चश्मा मैंने लगाया था, मेरे को दूर की नजर नहीं आ रही थी, मैंने चश्मा लगा, मेरा चश्मा कहाँ? वो आपका चश्मा था? ओहो क्या 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 वो मेरे दोस्त है ना हाँ? उसकी माँ को नजर नहीं आ रहा था, मैंने बोला आप ठहरे मैं इंतजाम करता हूँ, मैं गया, मैंने पूरे घर में चश्मा ढूंढा, नहीं चश्मा आपका था। तुम लोग को क्या है, इधर हम लोग का पचीता होगा, घर की चीजें दे दे, गोश्त ले जाके दे दिया के मेरे दोस्तों को। हाँ। मैंने इस मासूम औरत पे शक किया। हाँ। अभी देखो चश्मा मेरा बोलता है, देखे हालांकि वेल्डिंग वाले चश्मे थे। देखो देखो माँ की मजाक करता, मजाक नहीं करो पापा, वेल्डिंग मैं आपको लाके दूंगा, मैं आपको लाके दूंगा, बोल रहा हूँ ना, मैं आपको लाके दूंगा। क्यों देती धक्के? हेलो वेलकम टू गफ्फार विद धोराजी, तशरीफ लाइए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आपको एड्रेस ढूंढने में? नहीं कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। आप ठीक से चले? ठीक आपके उससे ये मेरी फैमिली, दादी मम्मा पापा पापा गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल है। क्या बेटा इधर तेरे को दाखिल होते हुए कोई लड़ाई वड़ाई हुई है? नहीं तो मैं समझी कोई आस्ती ने फट गई। नहीं पैसे नहीं, पैसे नहीं। अच्छा, अब मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, आप ले यहाँ मोनालिसा, बहुत बड़ी एक्ट्रेस। हाँ इसकी तो ड्रामे देखते, ऐसे रोने धोने के ड्रामे करती है, आज तो रोने धोने वाली लगती ही नहीं है, तो बहुत खुश है। ख्याल रखिएगा, ख्याल रखूँ क्या, इसको कौए ले जाएंगे? नहीं नहीं एक मिनट मैं बुला रहा हूँ, ख्याल रखो। खुशामदीद खवातीन और हज़रात, मैं हूँ फैसल और गफ्फार ज़ेड धोराजी, मैं आपको फिर खुशामदीद इस हफ्ते। आज जो हमारी मेहमान है पहली, वो बहुत खूबसूरत मॉडल और बड़ी पक्की एक्ट्रेस, आपकी जानी पहचानी बुला रहा हूँ, तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोनालिसा। दादी 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 तू क्या ऐसे धक्के दे के जाती है, तेरे बाप का रास्ता पड़ा हुआ है, धक्के देती है? एक्सक्यूज मी मैं कब धक्के देती हूँ, मेरे को क्या जरूरत पड़ी धक्के देने की? ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी
माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करेगा? एक्सक्यूज मी दादी प्लीज, लाइफ को एंजॉय कर, करो एंजॉय करो पापा। कैसी छोकरी आई है, फिरोजे जैसी? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी प्यारी छोकरी है। फैसल कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत दादी, मेरे को बहुत पसंद। एक्सक्यूज मी, पूरा मत मानिएगा, मेरी फैमिली जरा बेटी है थोड़ी सी, बाहर आपसे मेरा तारुफ इनका करा दिया। मोना लीजा है? हाँ मोना लीजा। आपकी पिकासो से पहली मुलाकात कब हुई थी? मैं वो वाली मोनालिजा नहीं हूँ, मेरा नाम मोनालिजा, आई एम नॉट अ पेंटिंग। अच्छा अच्छा, तो बेटा आपका नाम मोना, अब्बा का नाम लीजा है आपके? नहीं, मेरे फादर ने मेरा नाम मोना रखा था, हाँ। और उसके बाद उसके साथ लीजा ऐड कर दिया। अच्छा, अच्छा लीजा, मैं लेदर लेदर समझा, वैसे इसका बाप है ना चमड़े के जैसे काम करता। मैं जब छोटी सी थी तो मेरी सहेलियां भी बोलती थी मोना लीजा वाली मुस्कुराहट है मेरी। बेटा तेरे को मोना नहीं बोलती होंगी, टोना लीजा बोलती। अच्छा प्लीज जरा मैं बात कर लूं, तो तू ही कर रहा है, हम लोग ने क्या किया? उनकी तो मुस्कुराहट मशहूर थी, आपका क्या मशहूर है? कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स आई थिंक। अच्छा कितने कैरेक्टर हैं आपके? A very strong character anyway. लेकिन जो भी मैं acting में जब भी मैं कोई character play करती हूँ, तो जैसे अभी मैंने एक राजस्थानी लड़की का character play किया और एक जाने अदा मेरा। अच्छा ये बड़ी अजीब, बहुत अच्छी बात है, जिस character में जिस role में आप आती हैं आप वही लगती हैं। Thank you. और Thank you. अभी भी आप, मैंने जो आपको बताया था आप वही लग रही हैं। अच्छा अच्छा यार, लड़की का रोल मिल जाए तो जंगली तो ऐसी अच्छी लगेगी, तेरे को देख के हुर हुर करेगी। पापा प्लीज प्लीज बात करने दें। ओके आई एम साइलेंट। शो बिजनेस में मैं तब देख के बात कर सकती हैं, आपको मसला नहीं। अच्छा आप इसको उधर भी कान पे बाल डाल ले बेटा, इसकी आवाज भले नहीं आए तेरे को। आप चेयर मूव कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप शो बिजनेस में किसी की सिफारिश पे आए? किसी की सिफारिश पे? खैर मुझे लगता नहीं कि सिफारिश पे आप शोबिज में आके काम कर सकते। वो तो सिफारिश पे तो एक दफा एक आध कैरेक्टर कर लिया और उसके बाद फिर लोग आपको कास्ट नहीं करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। और अगर अच्छे हो तो फिर आप ही कास्ट होंगे। नहीं, और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे लगता है डे बाय डे ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, ज्यादा आई मीन बहुत ही। कितना इंटरेस्ट लगता है? वेल इट्स अ 50-50। ओके, बच्ची के गले में बहुत सर्दी लगती है, देखो मफलर बांधा हुआ है। मोना लीजा, मेरे को मॉडलिंग करने का शौक है, ये मेरे ससुराल वाले मानते नहीं मेरे को जाने का है। तेरे को कौन लेगा मॉडलिंग में, तू तो बस सामियाने की मॉडलिंग कर, ऐसा सामियाना जो शादियों में लगाओ और अंदर छुप छुप के खाना खाओ, छपा नहीं पड़े। मॉडलिंग से शुरू किया आप? हाँ मॉडलिंग से स्टार्ट लिया मैंने। मजा आया या एक्टिंग में ज्यादा आता है? अब मॉडलिंग को दिल नहीं चाहता? एक्टिंग में अभी ज्यादा बिजी हो गई हूँ ये कह सकते हैं। मेरे को तो इसके डांस बहुत अच्छे लगते हैं, छोकरी क्या डांस करती है। थैंक यू। अरे टीवी में ऐसे इसके डांस आते हैं। नहीं यार रुक जाएंगी, चलते चलते ये कहाँ चल सकती है, मनुज को पीछे चलाओ तो नहीं चल सकती। शुक्र करो मैं घर में सीधी चलती हूँ। हाँ चलो, मेरी बहू है ये, मेरी बहू से ऐसा मेरी छेड़छाड़ है, ऐसा नहीं समझना। जुलम वाला और मेरी चॉइस गानों में मिलती है ना, जैसे मुझे पुराने क्लासिकल पसंद है और इनको भी क्लासिकल पसंद है आपको? फैसल देख ले, बोलती है चॉइस मिलती है, तेरे से किसी का दिमाग मिलने वाला नहीं, इसका तो मिल रहा है। मेरे को फैसला करने की क्या जरूरत है, फैसला तो आप ही करती हो ना। मेरे को तो इसका घगरा इतना अच्छा लगा, तेरा और इसका एक ही जैसा घगरा, तेरा बहुत बड़ा, इसका छोटा सा घगरा। दादी तो फिर अभी बात करते हैं। ठीक ठीक। ये बताइए कि एक्टिंग, इसके नाम नक्शे भी बहुत अच्छे हैं। तो अब एक्टिंग में आप इतनी मसरूफ हो गई हैं कि मॉडलिंग को टाइम नहीं देती जिसने आपको मशहूर किया? नहीं, मैं ये कहूंगी कि मुझे एक्टिंग ने ही मशहूर किया। एनीवे मेरा फर्स्ट सीरियल जो था मॉडलिंग सिर्फ रेडियो पे किया आपने? हेलो दैट्स नहीं, लेकिन ये है कि मशहूर इन अ वे कि मुझे ज्यादा लोग जानते हैं एक एक्ट्रेस के तौर पे जी। और मेरा फर्स्ट सीरियल जो था वो था राबिया जिंदा रहेगी, दैट वाज माय फर्स्ट हिट सीरियल। अल्लाह करे अल्लाह करे। और सही है, ये फैक्ट है, ये हैवी ARY की वजह से कि इसी की वजह से। क्या कोरमा और रोटी के साथ बर्गर भी खाती हो? अचानक आप उर्दू बोलते बोलते आप अंग्रेजी आती हो ना? मैंने मैंने बोला था कि तूने सब बोला था, तू इसका मामू लगता है। मामू नहीं, तेरे बड़े जिंदा है ना। चलिए देखो, खास उर्दू बोलने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल लिटरेचर। तो आप पहले इंग्लिश बोलती थी, बाद में उर्दू सीखी आपने? हाँ। अच्छा, पहले मैं अरबी बोलती थी। सुनिए एक बात, सुनिए, पहली नजर की मोहब्बत पे यकीन रखती हैं आप? लव एट फर्स्ट साइट। समीम की मंगनी का क्या होएगा? नहीं, नहीं,
तो कहा था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा लेकिन होने को तो सब कुछ हो सकता है लेकिन मुझे तुमने तो मुझसे कुछ और कहा था लेकिन मुझे बताओ मुझ पे क्या बुराई तुमने क्यों लड़कियों पे यकीन करना सीख लिया तुम्हें पता है लड़कियों की बात पे कभी यकीन नहीं करना मुझसे गलती हो गई तो क्या करूं मैं अभी गलती का खमियाजा खुद तुमसे तो। मेरी जो बात हुई थी तुम उस पे कायम नहीं हो नहीं हो सकती क्योंकि मैं एक्सक्यूज मी पापा तुम लोग बातें करो हम लोगों का ए पापा तुम लोग बातें करो आई एम सॉरी क्या चल रहा है इंटरव्यू में पापा हमारी उम्र है उम्र है अच्छा ये सही बात है ये जो मॉडल्स में जैसे फिल्म एक्ट्रेसेस हैं सारी उसमें झगड़े भी चलते हैं जेलसी भी चलती है एक दूसरे को देख नहीं सकती हैं तो ऐसा मॉडल्स और एक्ट्रेसेस में टीवी में ऐसा होता है खैर ये तो हर जगह ही है टीवी में भी है आप किससे जलती हैं मैं किसी से नहीं तो फिर आप कह रही हर जगह होता है नहीं लेकिन देखें ये ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है वो नहीं किसी से जल रहा है या जेलसी हो सकती है कभी कभी जब सब लड़कियां तैयार होती हैं तो सब तीन चार लड़ाई लड़ाई के सामने कभी मार कुटाई में कब रूम में हुई नहीं ऐसा नहीं लेकिन ये कि हर किसी को शोरी मेरे बाल ज्यादा अच्छे बने मैं ज्यादा अच्छी दिखूं तो ये इट्स वेरी नेचुरल ये नहीं है कि ये बताइए सुरमाई जो मच्छी होती है इसमें से आप सुरमा निकाल सकते हैं एक्सक्यूज मी ये इनका ताल्लुक ये एक्टर एक्ट्रेस हैं शो बिजनेस से ताल्लुक है इनका इनका समंदर से कोई ताल्लुक नहीं बेटा ऐसे भी सुरमा तो पहाड़ में से निकालते हैं मछली में से कौन निकालेगा ये अम्मा समंदर में जितने मछलियां मैंने देखी सब ने सुरमा पहना है तेरा छोकरा पहना रहा है सुरमा सा तू कब पानी में गई थी आप दोस्त प्लीज आप खवातीन आजाद हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि अब बात मैं चाहूंगा मोनालिसा से ब्रेक के बाद संजीदगी से करूं क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे दादी एक्साइटमेंट हो गई थी हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक बाद मोनालिसा मेरे साथ हैं कहीं मत जाइएगा मिलते हैं गफ्फार सर धोराजी में ब्रेक के बाद खुशामदीद खवातीन हज़रात कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहती हो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो जीने उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे हर लड़की के दिल में ख्वाहिश होती है ख्वाहिशात होती हैं आप बताएं कोई ख्वाहिश हो तो बताएं मुझे मेरी जितनी ख्वाहिशात होती हैं मैं अल्लाह का शुक्र है खुद अपनी पूरी कर लेती हूँ मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो खुद कर लेती हैं हाँ इंसान को अंदर विल पावर होनी चाहिए आप अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी कर सकते हैं उसके लिए किसी और का मोहताज होने की आपको क्या जरूरत है बिल्कुल है ना आपको कोई शर्ट अच्छी लगे तो आपका दिल चाहे तो आप उसे खरीद सकते हैं आप बताएं आपको कोई चीज बुरी लगे आप उसे फेंक सकते हैं यू नो बताएं आप मुझे क्या क्या पसंद है आप सही है ना तू नहीं और सही और नहीं और सही क्या बताएं बताएं क्या क्या डबल पति का पान खाती है जब बताएं बताएं अभी जाके लाऊंगा बिल्कुल तू बेरा लग रहा है जैसे बोलते ना ऑर्डर दो बताएं बताएं बेगम साहब और क्या जाने मोनालिसा ये जो आपने ड्रेसेस पहने ये कौन से बाजार से मिलते ये बाजार से मिलते हैं मैंने खैर बाजार से मिलते हैं अभी दुबई गई थी तो वहां से स्कर्ट्स आजकल बहुत इन है तो फिर हां सुना है अच्छा बहुत अच्छा है इन है मेरे को भी पहनने दो ना तू क्या करेगी बेटा ये तू पहनेगी तो क्या क्या लगेगी तू खुद सोच अम्मा फिकर नहीं करो बहुत अच्छी लगूंगी मैं तू पहाड़ों की बंजारन लगेगी लगेगा पहाड़ पे कपड़ा डाला हुआ एक्सक्यूज मी प्लीज बात कर लूं आप अपने करियर से मुतमईन नहीं मुतमईन तो नहीं हूं लेकिन एक जो फर्स्ट स्टेप होता है जो अपने करियर में आप सोचते हैं कि कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको मिल जाए पहला कदम ही ये तो पहला कदम जो है पहला कदम उठा लिया आपने नहीं ऑब्वियसली यस दूसरा तो मेरे मैं कदम से कदम मिलाने के चलने को तैयार हूँ कदम से कदम मिला के जब दो इंसान चलते हैं तो ही मंजिल की तरफ जब बढ़ते हैं तो ही मंजिल करीब आती है एक कदम से कुछ नहीं होता लीजा सॉरी मोना अच्छा, मैं बता कदम से कदम मिला के चलूंगा मैं तेरे जूते के अंदर ना कील वाला कील डालूंगा तू चल के बताना आपकी नजर में एक आइडियल शौहर कैसा होना चाहिए मेरी नजर में आइडियल शौहर खैर मेरा फिलहाल तो इन चीजों पे ध्यान नहीं है शौहर और बिकॉज़ सिर्फ अभी कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ और बहुत सारा अभी काम करना है अगले चार पांच साल अगर खुद ध्यान दे दे आपकी तरफ कोई ध्यान दे दे तो फिलहाल मैं ध्यान नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ और मुझे ऐसा लगता है आइडियल बना बनाया तो नहीं मिलेगा लेकिन अगर मुझे कोई पसंद आता है तो जाहिर है मैं उसको वैसा कर सकती हूँ जैसा शख्स मैं सोचती हूँ अपनी लाइफ में क्या अच्छा नाम है आपका मोनालिसा मोनालिसा प्लीज ये मत कर अच्छा तो मतलब अभी शादी नहीं करेंगे चार पांच साल तक नहीं
4-5 साल मंगनी तो रख सकते हैं ना, ऐसी क्या बात। जब मैं शादी करूंगी तो अभी मंगनी करूंगी ना। अगर मोना बहन मेरे को पहले मिल जाती मैं तो शादी ना करती ना। ये क्या बात हुई? कौन सा क्वेश्चन कर दिया? नहीं, ये कहना चाह रही है कि ये समझ जाती है इस बात को कि शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं बहुत छोटी थी मेरी शादी हो गई। हाँ, ये छोटी थी, ये झूले में से थी, इसको झूले में से निकाल कर डायरेक्ट डोली में बिठा दिया था। कैसी बातें करती है, बाप का खौफ है। अम्मा मैं कभी बोली कि मैं झूले में थी? अम्मा काय को मेरे पीछे पड़ती हो आप? मैं पीछे पड़ती हूँ, मैं आगे पड़ती हूँ तेरे पीछे पड़ती हूँ। कैमरा ऑन है अम्मा? कैमरा किसका है? आपका है। पैसा मेरा है? पैसा तेरा है? नहीं, आपका पैसा है, आपका पैसा है माँ। प्लीज आप लोग हम लोग तो। आप लोग सोच समझ के बात कीजिए। इस वक्त मोना लेजा बैठी हुई हैं, पाकिस्तान की टॉप मॉडल और एक्ट्रेस हैं। प्लीज सोच समझ के बात कीजिए। मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ, अरे मैं क्या, हमारे को क्या बोलता है? अभी हम लोग उधर देखा नहीं, रहीम शाह का पस्तो गाना सुन रहे थे, तूने बोला मेहमान आ रहे, हमने मेहमान के लिए आ गए। मोना लीजा आई है, मैं तो समझी मिस्र से लड़की आई है। तो हम लोग ये पाकिस्तान के कितने अच्छे अच्छे ड्रामे करती है। अभी देखना, तू पूछना पाकिस्तानी ड्रामे देखती। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोना लीजा बहन, आप तार के ऊपर खड़ी होकर मॉडलिंग कर सकती है? तार के ऊपर? हाँ, तार के ऊपर चलते ना कई लोग। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। अभी वो मैंने की नहीं, अगर मैंने की होती तो शायद मैं भी कर सकती। आप मेरे को बोले थे ना मॉडलिंग तार पे करते हैं। तार पे करते हैं, ये सर्कस करते हैं उस पे पता नहीं। अच्छा, एक बात बताएं, कसूर आंखों का हो तो छुरी दिल पे क्यों चलती है? अरे यही होता है, गलती माँ बाप की होती है, भुगतना औलाद को पड़ता है, ऐसा है ना? हाँ बिल्कुल, इनकी गलती है, देखो भुगतेगा भी वो। ये अम्मा तेरे कितनी गलतियां हमने कभी पकड़ी? हमारी तो जिंदगी में जो गलतियां थी हमारे छोड़ के चला गया, जाने वाला मेवा साथ चला गया। माफ कर मेरे को, ऐसा लगता है ये प्रोग्राम ताजियती प्रोग्राम है। एक्सक्यूज मी, आप ना हंसे, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा चले, आप ये बताएं कि शो बिजनेस में, मैंने भी आपसे कहा कि जेलसी, झगड़ा, ये सब तो होता ही रहता है, मर्दों में भी चलता है, ये औरतों में नहीं होता। मशहूर होने के बाद जब कोई फैन आपको मिलता है मुल्क से बाहर, वो तो एक अजीब फीलिंग होती है ना कि मुल्क से बाहर किसी ने पहचाना। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, मुल्क से बाहर ज्यादा पहचानते हैं लोग, ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज्यादा लोग आपके पास आते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ्स बनाते हैं। मुझे पाकिस्तान में इतना ज्यादा, मुझे लगा कि थोड़ी सी एक हेजिटेशन है लोगों में शायद। जी जी, लेकिन बाहर तो कहीं भी आप चले जाएं, चाहे दुबई, यूएस, कनाडा, व्हाटएवर, कहीं भी आप जाएंगे तो लोग, पूरी फैमिलीज आपके पास आती है। दुबई ज्यादा जाती हैं? दुबई एक सोप कर रही हूँ उसके सिलसिले में आजकल जरा। तो दुबई बेटा ऊंट पे जा रहे हैं या कश्ती में? नहीं, मैंने तो बोला था मैं कश्ती में जाती हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने दुबई सोप खेप खेप के चक्कर में। हां, खेप क्या बोले, सोप क्या बोले, खेप? हां, सोप साबुन। अच्छा, साबुन मैं समझा खेप के चक्कर में। सोप का ड्रामा, खेप सोप कहते हैं उसको, सोप इनका खेप से कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज एक्ट्रेस हैं। अच्छा, जिंदगी में रोमांस को मानती हैं आप, मोहब्बत को? ये तो माननी चाहिए, जिंदगी रोमांस के बगैर है ही नहीं, है ना? हमारे घर में तो नफरत है। अरे जा दफा हो तेरी। अरे उनको जवाब देने दें, एक सेकंड उनको जवाब दें। जी प्लीज। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स आई डू बिलीव जिंदगी में। क्या बोले सिस्टर? मैं ये बिलीव करती हूं, यकीन रखती हूं, यकीन रखती हूं बिल्कुल। जिंदगी, जब तक आपको किसी से प्यार नहीं है, चाहे वो आपकी फैमिली है या कुछ भी, आपको तब तक नहीं, रोमांस की बात है बेटा। रोमांस फाइन, मतलब रोमांस मोहब्बत जो है वो किसी तरह से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, और जब तक आपको किसी से मोहब्बत नहीं होती तब तक आपको जिंदगी खूबसूरत नहीं लगती, तो नफरत भी नहीं होती। इसका मतलब जिंदगी में मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा मिला फैन आपका जिसने आपके काम की बुराई की हो कि आपने जो है वो एक्टिंग फलाने ड्रामे में जो है वो कोई मजा नहीं आया? नहीं, शुरू में मैंने दूसरे क्या बुराई करेंगे, मैं खुद अपने प्लेस की बुराई कर देती हूँ। मतलब शुरू के कुछ मैंने प्लेस ऐसे किए जिसमें ना मुझे कोई एक्टिंग खास लग रही थी, ना उसमें मुझे कोई लुक्स परफेक्ट लग रही थी, उन गलतियों से सीखा। नहीं, कोई जिस काम को आप अच्छा समझ रही हो कि ये मैंने तो परफेक्ट कर दिया, दूसरा आगे कह नहीं जी नहीं कख भी नहीं किया। हमारे पास शायद क्रिटिक्स कम है, कभी कभी मैं ही कह रही होती हूँ ये ठीक नहीं है, तो सब कहते हैं नहीं नहीं ठीक है। कौन सा शायर पसंद है आप? मुझे, मैंने ज्यादा पढ़ा है फैज अहमद फैज या परवीन शाकिर को। फैज साहब याद हैं? कुछ बहुत मुश्किल से याद होते हैं, हालांकि क्या करना चाह रहे हो, पूरा दीवान सुना डालूं? थोड़ा अच्छा लग रहा है, आपके मुंह से शायरी अच्छी लग रही है। मीर तकी मीर होटल वाला, उसका कोई शेर याद है? इंसा जी के भी बहुत है ना, वो इंसा जी उठो अब कुछ करो, हाँ इस घर में दिल को लगाना क्या,
आपसे कुछ करना चाहती हूँ अलग से। तो जा दफा हो जा, ले ले कोई प्लेट प्लेट ले ले। ठीक है अम्मा चली जाऊंगी, अगर इतनी जिद कर रही है तो मेरे को क्या क्या कर रही है, ले जा इसको। ए पापा बेल बजी बेल 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 बजी बेल बजी। मेहमान अच्छी पापा कौन है? मैं हूँ जी पापा। हाँ प्यार से पापा बेल बजी मेरी ड्यूटी है। ओके खवातीन आजाद, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक हमारे अगले मेहमान तशरीफ ले आएंगे, हम उनका अनाउंसमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। गफ्फार दौरजी में हमारे साथ रहिए। खुशामदीद खवातीन आजाद, गफ्फार दौरजी में। और अब मैं जिस आर्टिस्ट को बुलवाने जा रहा हूँ, जो आ चुके हैं हमारे अगले मेहमान, बहुत ही प्यारे से, खूबसूरत से और बहुत ही दिलनशीन, दिलकश आवाज़ के मालिक, बहुत अच्छे परफॉर्मर, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बड़ी खूबसूरती से की इन्होंने। और मैं ये कहता हूँ कि चाहे कैमरा हो या स्टेज हो या कॉन्सर्ट हो, दुनिया का कोई भी प्लेस हो, कोई ऑडिटोरियम हो, कोई जगह हो जहाँ पर कोई बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा हो, ही इज़ मैजिक, एब्सोल्युटली इज़ मैजिक। वाकई ये एक जादू है और आर्टिस्ट बहुत प्यारा है। हम बुला रहे हैं यार गफ्फार दौरजी में हमारे साथ हैं अली हैदर। मोनालिसा इधर आ जा बेटा, इधर आ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बैठने दिया ना तूने, देखना अल्लाह मेरी हाय लगाए। अरे पापा प्लीज। अरे ये कौन आ गया मेरे दरवाजे में? सलीम का अंकल गोला खा के आया हूँ अभी। अच्छा। कैसी हैं आप? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं मोना? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? आप कैसी? आप मैं तो समझा आप सोफे से भी हाथ मिलाएंगे। क्या हाल है अली? बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार जट दौरजी में आने का। आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हम तो खैर बुला ही लेते हैं। हम भी आ ही जाते हैं। माशाल्लाह इधर साहब का गाना बहुत अच्छा था, पुरानी जींस और किताब। ये आपको क्या लुंडा बाजार वालों ने स्पॉन्सर किया? अरे हमारे को इससे मिलके अभी इतनी खुशी हुई है कि कम से कम ये नवी जींस पहन के आए। अच्छा ये अचानक गाते गाते अदाकारी पे क्यों जुल्म शुरू किया आप? अदाकारी पे मैं क्या करूं, जुल्म तो उन लोगों का जो मुझे बुक कर रहे हैं। मैं तो काम है भाई, रोजी रोटी है करना है। प्रॉपर अदा नहीं, मतलब एक्टिंग एक अलग चीज है। हाँ। और सिंगिंग एक अलग चीज है। तो एक्टिंग में अचानक? अचानक तो नहीं, मैंने जो पहला अपना काम किया है टेलीविजन के ऊपर, बल्कि 1990 की बात है शायद, अंदर मकसूद साहब का एक प्ले था जी, वो मैंने किया और उसी के साथ साथ मेरा एल्बम भी आया था। सही। तो लेकिन ये था कि उस वक्त काम जरा कम करता था क्योंकि चैनल भी थोड़े कम थे। जी हाँ, जी हाँ। अब ये कि चैनल ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा लोगों को शायद जरूरत है एक्टर्स की, अब काम और कम हो गया। तो काम और कम हो गया है। नहीं लेकिन एक्टिंग में काफी बढ़ गया है मैं। तो इस वजह से हाय हाय इसकी शक्ल देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ दादी? प्लीज प्लीज, तेरा कोई छोकरा घूम गया था इसकी शक्ल का? अल्लाह करे तेरा कोई खोए तेरे को पता। अल्लाह ना करे दादी, मैं अकेले तो मेरे इसकी माँ की फैमिली की बात करती हूँ बेटा, अपनी इसके ससुराल को थोड़े बदवा दिए। क्या हुआ? क्या माँ? तेरे दादा की शक्ल बिल्कुल ऐसे ही थी जब हमारी मौत। नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। यकीन कर हम लोग क्लिप्टन के झूलों में जाते थे, मेरे साथ तेरे दादा होते थे, ऐसी बिल्ली आके ऐसी गोरे चिट्टे छोकरियां देखती थी हम लोग। बहुत खूबसूरत। काश मैं उस वक्त होती तो मैं दादा को बोलती इससे शादी नहीं करना। दादा की शक्ल का ये हो नहीं सकता, अगर ये दादा की शक्ल का होता तो इसकी शक्ल इसकी है ना, जो शक्ल है ना मेरे से मिल। अच्छा अली सुना आप बचपन में इतने खूबसूरत थे कि कमर्शियल वाले आपको उठा के ले जाते थे? कहाँ ले जाते थे बेटा? क्या पता मतलब? मैं पूछ रहा हूँ ना, वो बचपन तो अभी भी चल रहा है। तू क्या बचपन समझ? इनका चल रहा है वैसे। शायद ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन पहला जो सर्फ का बच्चा था वो मैं ही था, जो सर्फ के पीछे डिब्बे के ऊपर उसी से धोया था। जब से इतने गोरे मेरे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं, मतलब पहली बार जो सर्फ में भिगोया था वो बच्चा तू था। हाँ वो भी है। आज पता चला। इसके अलावा एक मजे की बात है, मुझे लोग कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें फेरिक्स जो है वो खिलाया कम है और लगाया ज्यादा है। एक्सक्यूज मी अली हैदर साहब, एक आपसे क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। पापा प्लीज क्वेश्चन सही कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको 70 साल सन्यासी बाबे का कुछ पता है? ये कहाँ बैठता है?
इनको क्या पता, इनको बीमारियां बहुत हैं ना, इसीलिए पूछते हैं। He is a singer, he is a singer, पापा। सिंगर सन्यासी बाबा नहीं? नहीं, इनका क्या ताल्लुक है? तूने अपनी माँ की बात सुनी? बोलती इसको बीमारियां बहुत है, तू कैसी मसले की औरत है? इलाज ढूंढता है तेरा छोकरा। कैसी बेहया बीवी है, अपने मियाँ की हर फॉल्ट दुनिया को बताती। यहाँ से लेके लंदन बुरोना ही तक लोग सुनते हैं हमारे शो में। मेरे को तंग नहीं करने का, मैं आज मोना के साथ चली जाऊंगी। मोना तेरे को ऐसा चूना लगाएगी तेरे को पता चले। अली, क्या जो आपकी एक्टिंग शुरू करने से, बाकायदा एक्टिंग शुरू करने की वजह से ये प्रॉपर एक्टर्स जो थे, जो प्रॉपर एक्टर्स हैं, ये जलने तो नहीं लगे आपसे? नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं। मैं तो जब एक्टिंग करता हूँ तो बिल्कुल ये सोच रहा हूँ कि मैंने इन्हीं लोगों को देख के थोड़ा बहुत जो सीखता हूँ तो उससे काम कर रहा हूँ। मेरा इनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। चार प्ले करने से क्या मैं इनके मुकाबले में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं। पांचवा करने से? पांचवा नहीं, पांचवा तो पांचवा छठा सातवां अभी काफी हो चुके हैं, लेकिन ये है कि असल जो मेरा काम है वो म्यूजिक ही अच्छा, है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल बाकायदा आपने एक्टिंग शुरू कर दी है। हाँ। होमवर्क भी करते हैं आप एक्टिंग पे घर पे? स्क्रिप्ट लेके मेरे लिए क्योंकि आसान नहीं है एक्टिंग, अभी मैं तो उस मरहले से गुजर रहा हूँ कि कैरेक्टर को समझना, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स ऐसे होते हैं, मैंने ये देखा है जिनके साथ मैंने काम किया है कि वो आते हैं बस, और जैसे अभी हमने भी एक साथ प्ले किया था एक जगह पे जी। तो इन लोगों को टाइम नहीं लगता, मतलब दे आर सो ब्रिलियंट, इतने मज़ेदार अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि ये बस आते हैं और इनको स्क्रिप्ट पढ़ा और शुरू हो गए। तो मेरे लिए काफी टाइम मुझे लगता है, तो अक्सर जिन जिन के साथ भी मैंने काम किया उन्होंने मुझे हेल्प किया। अली, आपने फिल्म में भी काम किया और वो भी मीराज के साथ, तो मैंने सुना है मीरा के साथ आपके कपड़े भी उसी तरह बने थे जैसे आधे आधे। असल में मेरा फिगर उस वक्त वैसा ही था ना। तो ऐसा तो नहीं होता था कोई अच्छा सूट हो, मीरा को अच्छा लगे, लड़ाई करे, मेरे पहनूंगी, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। अली भाई, आप ये मुंह पे गोरा रंग करने के लिए कौन सी क्रीम लगाते हैं? मैंने बताया तो अभी तो बोला सरफ में भीगा था ये बचपन से, तू भी बैठ जा टंकी में। अली, आपका एक वीडियो आया, मैंने उसमें देखा है एक लड़की आपके पीछे पंखा लेके भाग रही है, वो पंखा मुझे मिल जाएगा? आप क्या करेंगे उस पंखे का? अली, मैं मतलब कि वो पंखा मेरे को मिल जाएगा, मैं उससे तिक्के सेकूंगा। प्लीज एक सेकंड, आप क्या जरूरी है कि गाने का वीडियो या गाना हिट कराने के लिए उसमें मसाला डाला जाए, ग्लैमर डाला जाए और उसमें कोई ऐसी चीजें डाली जाए कि जिससे लोग अट्रैक्ट हो? ये तो हमारे मीडिया वालों को सोचना चाहिए कि वो इस तरह की चीजें दिखा दिखा के इतना ज्यादा। वीडियो में आप भी तो होते हैं? नहीं, वीडियो में मैं भी बिल्कुल होता, मैंने ऐसे भी वीडियोस किए हैं जिस जो बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, जिसके अंदर कोई स्टोरी है ही नहीं सिरे से। और असल काम तो ये है कि अगर मेलोडी अच्छी है, धुन अच्छी है, लोगों को गाना अच्छा लगा। बहुत अच्छी आई थी जो बीवी को मनाते थे ना आप, वो तो बहुत अच्छा गाना आया था, उसमें तो कोई ऐसा नहीं गंदी बात, ग्लैमर नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था। ऐसे ही गाने लोगों को अच्छे लगते हैं जिनमें कोई कॉन्टेंट हो, जरूरी नहीं है, ग्लैमर भी हमारे शोबिज का एक हिस्सा है, लेकिन अगर जरूरत हो तो फिर दिखाने में कोई। लेकिन अली, जिसके पास फन है, आपके पास गाना इतना अच्छा गाते हो, आप लोग टकराओ, मुकाबला करो ना, आप क्यों नहीं मुकाबला, आप लोग क्यों पीछे चलने लगते हो जैसा दूसरे ने किया, आठ आदमी पीछे नाच रहे हैं। हाँ। खामखा भी एक प्रोग्राम आता है उसमें लड़कियां से झुंझुने लेके खड़ी होती, क्यों भाई ऐसे क्यों होता? नहीं, ऐसा हर प्रोग्राम में नहीं होता, बल्कि जहाँ बात करिए मुकाबला करने की, तो आई थिंक वाहिद पॉप इंडस्ट्री है जिसने इंडिया की म्यूजिक को भी टाइम दिया हुआ है, हिला दिया, हिला बिल्कुल है कि यहाँ के स्टार्स आप देखें, वहाँ की फिल्मों की जरूरत बन गए। हाँ। जाते हैं वहाँ पे। हाँ। हम अक्सर हाँ शोज करने के लिए भी जाते हैं, उनकी फिल्मों में भी गा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के अब एक्टर्स भी वहाँ पे जाना शुरू हो गए। मोनालिसा का मुझे पता चला कि वो एक इंडियन मूवी कर रही है। मैं तो मुना को बोला आप इंडियन मूवी काम कर रही है, आपने तुमने बताया नहीं मुझे आपसे, तुम पे कैसे? सॉरी, आपने आपको क्या मतलब? आराम से, मोना से आराम से बात कर। नहीं नहीं, हमारा मोना से आराम से क्यों बात कर रहे हैं? क्यों क्या आपकी क्या? मैं और मोना एक प्ले कर रहे हैं अभी। नहीं, आप करें। मैं अभी से पजेसिव हो गया उसके। अली भाई, मेरे को गाने गाने का बहुत शौक है, मेरे अंदर एक गुलूकार मर गया है। खुदा के वास्ते उसके साथ नहीं गाना, उस पे इतना बुरा वक्त नहीं आया, लोग उसका भी गाना सुनना छोड़ दें। मम्मा प्लीज, तेरा गाना सुनेंगे, मेहमान चले जाएंगे, तेरा गाना मैं सुनूंगा। मैं पूछ रहा था कि आप इंडियन फिल्म में काम कर रही? हाँ, काफिला फिल्म है जिसमें सनी देओल है वहाँ से, और सना है, मैं हूँ। देख लेना बेटा, काफले में तेरे को जाए नहीं कर देंगे, तू काफले में ही चली। अच्छा, नहीं नहीं, काफला क्योंकि वो बहुत ही कमर्शियल फिल्म नहीं है। हाँ। वो एक
इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर फिल्म बनी हुई है कि जो लोग इलीगली इमिग्रेट करते हैं वो जो ऊंटों पे चले जाते हैं छुप छुप के, मतलब ऊंटों पे भी और पैदल भी और बहुत ही मुश्किल से, वीजा नहीं लगता ओरिजिनली तो वो फिर नहीं बेटा बुरा नहीं मानना, मैंने इसलिए बोला हमारे मुल्क के बड़े बड़े फनकार हैं, इनसे वादा किया और उनको बिल्कुल कचरा करके वापस कर दिया, तो मैंने बोला तू काफले में ही कहीं दूर से बतावे वो जो नंबर के नीचे थी वो मैं थी। क्योंकि दो ही लड़कियां हैं उसमें और कैरेक्टर अच्छा था, नहीं कोई लड़की नहीं है उसमें, मैंने बोला शायद हमारा भी कोई चांस नहीं, वो पूरा ग्रुप है पर फिल्म है, और अगर कोई ऐसी दूसरी टाइप की फिल्म होती तो पता नहीं काफले में कोई ऐसे नहीं शामियाने वामियाने वाले, इसको ले जाना। सर लोगों को ये महसूस होता है कि शायद अली हैदर अब एक्टिंग में आने की वजह से गाने पे ध्यान कम दे रहे हैं, इसीलिए वो पुरानी चीज और वो गिटार जैसे गाने जिया करे धक धक लैला और करार ऐसे खूबसूरत गाने नहीं बना रहे, तो क्या मतलब क्रिएटिविटी आपकी क्या खत्म हो गई है क्या? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, अली हैदर हमारे साथ है, कहीं मजा आएगा। गफ्फार जरूर खुशामदेद खवातीन आज़ाद जी, आपसे सवाल मैंने किया था जी, आपका सवाल क्या था? मेरा मुझे याद है आप ये कहना कि वही वाले गाने अब दोबारा क्यों नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट के टैलेंट को दबाने की बात है कि आप उससे कहें कि वही गाने अपने ही गानों को रिपीट करता रहे और अपनी ही कॉपी करता रहे, तो मैं तो इस चक्कर में हूँ कि पाकिस्तान का जो पॉप म्यूज़िक है जो बहुत आगे की तरफ जा रहा है उसमें एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। कमर्शियलिज्म एक हद तक अच्छा होता है लेकिन आप अपने आप को ही रिपीट कर देंगे एक और पुरानी जीन्स या एक और करार बना के। नहीं मेरा मकसद ये था कि उस टाइप के गाने मतलब जैसे लोगों ने बनियान पे बना दो बेटा, कोई बनियान पे बना दो, कोई टोपी पे बना दो, नवा काम हो ना। आई लगानी पड़ती है, सी आई डी हो जाती है। अच्छा आपको गाना गाने का बहुत शौक है, आप मेरे साथ गाना गाना चाहेंगे? खुदा के लिए वो जो गाता है उसको वो तो नहीं भुला देना ना। अच्छा अली मैंने एक चीज खरीदी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक आपकी एक सीडी मैंने आज खरीदी है, इस पे नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं रखा अभी क्या? क्या है ये क्या है? ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लोग वो ही सुनना चाहते हैं जो करार के दौर में या संदेशा के दौर में आया था जी, तो मैंने उन गानों को जरा सा रीमिक्स कर दिया है और नाम इसलिए किया है कि वो जो तेरा नाम लिया तो वो जो बच्चा और बीवी वाला बहुत अच्छा था, मतलब इसमें आपकी पसंद के गाने, इसमें ज़्यादातर वो वाले गाने हैं जो लोग पसंद करते हैं और जिसमें संदेशा है या जिसके अंदर तेरा नाम लिया तो है या चांदनी रातें हैं, उनको मैंने ज़रा सा उसका स्टाइल चेंज किया है और उनको कंपाइल किया एक जगह, क्योंकि नया एल्बम मैं नहीं समझता अभी ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान में कि नया एल्बम लॉन्च किया जाए। ये अली हैदर का एक नया तजुर्बा और तजुर्बा ही कहेंगे इसको भी, जो आपने अपने उन गानों को जो कि कम सुने गए नए तरीके से कंपाइल किया है और ये मैंने सीडी अली भाई खरीदी आज। मेरे लिए भी खरीद के लाना। जाऊंगा आपके गफ्फार एट धोराजी के लिए। अली कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, कोई मैसेज? क्या इसके मैसेज पे अमल करेंगे नए सिंगर? आप मैसेज ना दे बेटा, इधर आके धक्का दे दो मेरे को ताकि मैं इधर जाके पढूं। नहीं मैं एक वाहिद प्रोग्राम ये होगा जिसमें मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता। ओके आप? हाँ मैं बिल्कुल, मैं तमाम देखने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें जिंदगी में जो भी कुछ करना है या जो भी हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर उस चीज को पा लेंगे, चाहे वो कोई भी सक्सेस हो चाहे वो जिंदगी का कोई भी मकसद। Yes, यही तो मैं बोलता हूँ, यही मैं बोलता हूँ, मैं लगा रहूंगा। मैं भी पैगाम देना चाहती हूँ। तू आखिरी प्रोग्राम कर रही है पैगाम? नहीं अम्मा, जिस दिन से मोना लीजिए आई है मेरे को हौसला हो गया। जिस दिन से नहीं आज ही आई है ये। अली भाई कुछ बोलना चाहते हैं? अली भाई, अली आप बोलो। अली ऐसी हंसने वाली बात करना कि मैं मजा आ जाऊं। पापा प्लीज आप तैयार रहिए प्लीज। मेरा मैसेज ये है कि मोना लीजा ने जो भी कहा है उस पर अमल कीजिए। तो क्या मतलब है, मैं खाली स्ट्रगलिंग में रहूं?
ठीक है कोई बात नहीं यार, बात सुनना, ऐसा करना इससे कोई अच्छा सा गाना तालियां बजाओगे तो गाना सुनाएंगे ना, ऐसे कैसे गाना सुनाएंगे, मैं माइक देता हूँ अभी निकाल के। अली भाई अली ये गाना मेरे को डेडिकेट करना। मैं वैसे भी यहाँ पे कुछ सीरियस तो सुना नहीं सकता, तो ये बिल्कुल आप लोगों के गफ्फार एंड ढोराजी पे पूरा उतरता है ये गाना, अभी सुने आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं हो मेरे को रोना आ जावे। नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, आप प्यार है इसमें ना। तालियां तालियां। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मोनालिजा आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप आ ही जाएं तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन बहरहाल इस प्रोग्राम में हमारे घर में आप आई, आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारे लिए बहुत काबिल कदर हैं, आप खाना खा के जाइएगा प्लीज़, और अली भाई आप घर जाके खा लीजिएगा। नहीं क्यों, अली को तो मैं स्पेशल कड़ी चावल खिलाऊंगी, हमारे ढोकले बनाए, गोला गंडा पैक करके देंगे, घर जाके पिएगा। थैंक यू वेरी मच खवातीन उजाद गफ्फार दैट दोराजी में, इस दफा भी आप हमारी फैमिली के साथ रहे और मुलाकात की अली हैदर और मोना लिजा जो मुल्क के नामवर आर्टिस्ट हैं उनसे। इस प्रोग्राम में हम हंसी मजाक करते हैं थोड़ी सी दिल पशौरी के लिए, और
دلجوئی کے لیے، خوشی کے لیے ہنستے بولتے ہیں. یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. اس بات کسی بات کو بھی نہ آپ لوگ، نہ آپ کوئی دل پہ نہ لیجیے گا، نہ آپ لوگ، یہ ہمارا آپس کا ایک کھیل ہے، تماشا ہے، محبت ہے، پیار ہے، جو آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں غفار دھورجی کے ذریعے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ.